क्वेश्चन नंबर 19, एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी। क्वेश्चन में इंटीग्रेशन कराया है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स को हम कॉस और साइन में चेंज करते हैं, तो सेक हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, यानी कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और कोसेक 1 अपॉन साइन, तो वो साइन स्क्वायर एक्स ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये हमारा इंटीग्रल अब हो जाएगा कितना, टेन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स हो गया। लेकिन टेन स्क्वायर एक्स तो किसी का डेरिवेटिव नहीं होता है, लेकिन हम इसमें फॉर्मूला लगा दें, अगर ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, टेन स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन ये जब फॉर्मूला लगाएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो अलग अलग इंटीग्रल करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स, और वन का इंटीग्रल एक्स माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। तो ये इसका आंसर है, दैट्स ऑल।